अब इंडियन वेरिएंट्स में और इंडियन प्राइस के हिसाब से अगर आप जाते हो कोई भी कार लेने के लिए, एसयूवी सेगमेंट में देख लो या फिर फैमिली बजट के हिसाब से देख लो, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ता है प्राइस, स्पेक्स और रेंज। और बाकी ये अगर लेते भी हो तो इसके साथ में आपको देखना पड़ता है कि इंडियन मार्केट्स में अगर मैं लूँगा तो रीसेल वैल्यू और सेल वैल्यू रहेगी कि नहीं, अगर ये इंडियन लोग इंडियन वेरिएंट्स के हिसाब से देखते हैं तो ये भी सोचते हैं। तो ऐसे ही लेकर के आ चुका हूँ एक और गाड़ी जो कि रिनोल्ट की तरफ से आने वाली काइगा 2024 फेसलिफ्ट है, और इसके बारे में कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, स्पेक्स और थोड़े बेस इसके बारे में जाते हैं, बेसिक के बारे में। तो ये 2010 में आई थी रिनोल्ट, और ये निसान के नाम से भी आती थी। और अब प्राइस रेंज की बात करूँ तो 5 लाख से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है और 10 लाख तक इसकी हाईएस्ट कार की जो बजट जाती है वो जाती है। और बाकी अभी 2023 के हिसाब से आप देखोगे तो सारी गाड़ियों ने अभी तक नए प्राइस नए स्पेक्स लॉन्च किए हैं, लेकिन अगर 2024 के हिसाब से देखा जाए तो रिनोल्ट ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि आपको थोड़ा सा जान करके आश्चर्य होगा, मतलब कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा रेंज को कम कर दिया गया है। अब पहले से प्राइस की बात करूँ तो सब में सभी गाड़ियों के डिफरेंस बढ़े हैं, लेकिन अब बात करूँ तो कलर स्पेक्स इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पहले रिनोल्ट में देखे थे तो काइगर और रिनोल्ट को हम सबसे ज़्यादा जानते थे डस्टर की वजह से, क्योंकि डस्टर ही सबसे पहली ऐसी गाड़ी आई थी जो कि बहुत ज़्यादा तहलका मचा रखी थी। अब रिनोल्ट की तरफ से आने वाली क्विड है, अब क्विड भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसका बहुत ज़्यादा बिकता है। और अभी इसके बारे में बात करने वाला हूँ रिनोल्ट की तरफ से आने वाली काइगर जो कि 2024 में फेसलिफ्ट आया है ब्लैक कलर में, और इसमें आपको टोटल 6 कलर वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर वेरिएंट्स की बात करूँ तो आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिल जाता है, पहले RXE नहीं आता था, अभी RXE ऐड कर दिया गया है। ये देख रहे हो आप RXZ, मतलब कि ये टॉप मॉडल और टॉप वेरिएंट में आता है। अब इसमें स्पेक्स क्या है, प्राइस के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले प्राइस की बात करूँ इसके लिए स्पेशल थैंक देना चाहूँगा मैं अपने रिनोल्ट नानावटी जो कि अपने गुजरात के वापी में है। और भी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपको जानना होगा अपने प्राइस लिस्ट के बारे में अपने स्टेट के हिसाब से, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट से, तो फ्रंट में आप देखते हो तो यहाँ पे बड़ा सा रिनोल्ट का यहाँ पे ब्रांडिंग देखने मिल जाता है कि क्रोम पार्ट्स में, और ब्लैक कलर में अभी देखो ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है, सभी गाड़ियों अभी ब्लैक 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 हो गई है। अब जो गाड़ियाँ नहीं बिकती थी अब वो भी ब्लैक अब लाने से बहुत ज़्यादा उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। ब्लैक में एक यही होता है प्लस पॉइंट कि कोई भी गाड़ी ले लो आप उसमें आपको स्पेक्स तो देखने को मिल ही जाता है। बाकी अगर स्पेक्स की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ फ्रंट लुक से, तो फ्रंट में आप देख लो तो रिनोल्ट का यहाँ पे ब्रांडिंग देखने मिल जाता है क्रोम पार्ट्स में। ये जो क्रोम पार्ट्स ज़्यादा यूज़ किए गए हैं वो आपको थोड़ा सा प्रीमियम लगते हैं अगर इंडियन वेरिएंट्स में, और ये जब गाड़ी चलती है रोड प्रेजेंस लेवल तो थोड़ा सा मुड़ मुड़ के देखने वाली गाड़ी बन जाती है। यहाँ पे LED में DRLs देखने मिल जाते हैं, जब आप इसके की को ऑन करते हैं तभी पता चलता है। बाकी यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है आपको LED में ही, और ये जब ये RXZ ऑप्शनल में जाते हो तो उसमें आपको टर्बो इंजन देखने मिल जाता है, ये टर्बो इंजन नहीं आता है, 1.1 लीटर के साथ में आता है ये इंजन, और बाकी 999 cc के साथ में इंजन डिस्प्लेसमेंट इसकी आ जाती है। यहाँ पे आप देखते हो तो LED में देखने मिल जाता है इसका टेल हेडलैम्प, और अगर आप देखते हो बेस मॉडल में तो बेस मॉडल जो चालू होता है इसका 740 से स्टार्ट होता है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 990 है, और बाकी आपको 990 में इतने सारे स्पेक्स फीचर्स देखने मिल जाते हैं। अगर बात करूँ इसके कॉम्पिटिटर सेगमेंट में, अगर 2024 के हिसाब से आप देखने जाते हो इंडियन मेरिट में आखिर क्यों लेनी चाहिए आपको, तो इसमें आपको देखने मिल जाए टाटा की नेक्सोन आती है, टाटा की एल्ट्रोस आती है, ह्यूंडे की अपनी वेन्यू आ जाती है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर देखोगे तो उसको टक्कर देती है, लेकिन उसकी इससे ज़्यादा प्राइस उसकी बढ़ चुकी है। अभी अगर 2024 की बात करूँ तो सभी गाड़ियों पर 70,000 से लेकर के 1 लाख तक का प्राइस देखने को मिल जाएगा जो कि बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख ही लेते हो तो बाकी यहाँ पे जो डिफ्यूज़र दिया गया है इसी के साथ में, ये देख लो डिज़ाइन जो स्कर्ट शार्पनेस के साथ में दिया गया है वो थोड़ा सा आपको और भी प्रेजेंस लेवल रोड को बढ़ा देता है, और यहाँ से जो दिया गया है वो आपको आफ्टर मार्केट लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आ जाते हैं अंदर की ओर में, उसके पहले आ जाते हैं रियर में, ये देख लो साइड में, अगर साइड प्रोफाइल में देख ले तो राइट साइड से तो यहाँ पे RXZ का यहाँ पे देखने को मिल जाता है ब्रांडिंग, जो कि RXZ आपको टॉप वेरिएंट्स में ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखते हो तो अलाविल्स इसमें देखने को मिल जाता है, और ये MRF के टायर्स देखने को मिल जाते हैं वंडर के। अगर टायर सेक्शन की बात करो तो 195/60 रेडियल 16 इंच के अलाविल्स के साथ में आता है, डायमंड कट अलाविल्स देखने मिल जाते हैं। और अगर इससे भी टर्बो इंजन में जाते हैं टॉप मॉडल में तो उसमें आपको रेड कैलिपर्स देखने को मिल जाता है ऑप्शंस। अब यहाँ पे बात करो तो प्रीमियम लुक्स ब्लैक कलर के हिसाब से इसमें देखने को मिल जाता है, डुअल कलर टोन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं सभी गाड़ियों में, लेकिन ऐसे ये ब्लैक है तो ब्लैक में आपको देखने को मिल जाता है स्टील ब्लैक इसको बोला जाता है, ये ग्लोसी कलर है पूरा ही। अगर डुअल टोन में जाते हो तो देख लो जैसा कि रिनोल्ट की काइगर है वहाँ पे लगी है, तो उसमें आपको डुअल टोन कलर देखने को मिल जाता है, ऊपर में ब्लैक है और नीचे में ये गोल्डन थोड़ा सा और येलो देखने को मिल जाता है कॉम्बिनेशन, तो ये थोड़ा सा अलग दिखता है। वहाँ पे आप देख लो सिल्वर कलर वहाँ पे खड़ा है तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है।
तो उसमें भी डुअल टोन देखने मिल रहा है, लेकिन अगर आप ब्लैक कलर में जाते हो तो ब्लैक कलर में आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन नहीं देखने मिलता, क्योंकि ज़्यादा प्रेजेंस लेवल भी आपको उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। रियर में आ जाता है तो रियर में थोड़ा सा जो डिज़ाइन इसका मस्कुलर पीछे से देखने मिल जाता है, रेनॉल्ट की टाइगर की यहाँ पर ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। यहाँ पर आप देखोगे तो LED में देखने को मिल जाता है आपको टेल लैंप, और यहाँ से LED में इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाती है। बाकी रियर में यहाँ पे आ जाते हैं तो रेनॉल्ट की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है, 3D एनवलप में की गई है। अब आ जाते हैं अंदर की ओर में, अंदर की ओर अब अगर प्राइस के हिसाब से बात की जाए 2024 में और क्या कुछ अपडेट किया गया है, तो आपको देखने को मिल जाता है डुअल टोन के कलर में आ जाता है लेदर सीट, और ये देख लो सीट जो कॉम्बिनेशन है ये लेदर का आपको देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो चेंजेस किया गया है, सबसे पहला जो चेंजेस है वो आपको सीट को लेकर के है। यहाँ पे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल ही जाता है। रियर में भी बात करूँ तो रियर में भी आपको एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाते हैं हेडरेस्ट के साथ में। और बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो दिया गया है कॉम्बिनेशन, अब ये पहले लेदर का ऑप्शन नहीं देखने को मिला था, अब ये दो डुअल टोन में आ जाता है और डुअल टोन के साथ में यहाँ पे लेदर का सीट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे एक और जो एडेड फीचर्स दिया गया है वो इसके स्टीयरिंग को लेकर के है। अब स्टीयरिंग की बात करूँ तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है डुअल कलर में, ये लेदर का देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी यहाँ पे सभी गाड़ियों में देखने को मिल ही जाती है। इसी के साथ में आप देख लो तो स्वाइप अप मारता हुआ नॉर्मल मोड, इसमें स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है, इको मोड देखने को मिल जाता है, मतलब तीन मोड इसमें देखने को मिल जाता है। और ये मोड आप यहाँ से ही सेट कर सकते हो, ये देख लो यहाँ से। और बाकी अगर आप देखते हो तो यहाँ से आप इसको ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। बाकी इसकी प्राइस के हिसाब से देखी जाए तो इसका ये देख लो पहले की देखोगे तो कुछ इस प्रकार का जो दिया गया है स्मार्ट की देखने को मिल जाती है। अगर आप थोड़ा सा मतलब इसका जो 10 मीटर के रेंज में ही आपका ये पकड़ता है, आपको डुअल स्मार्ट की देखने को मिल जाती है, और वहाँ से ही देखने को मिल जाता है ये स्मार्टफोन जो यहाँ पे चार्ज होता है, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे मतलब केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी स्टार्ट टॉप का सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब रेनॉल्ट की अगर गाड़ी आप लेते हो तो रेनॉल्ट की गाड़ी में आपको पूरा भर के फीचर्स देखने को मिल ही जाते हैं। उसके पहले अब मैं बात कर लेता हूँ इसके स्पेक्स के बारे में। तो यहाँ पे देख लो आप AC यहाँ से जो भी है सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बोतल रखने के लिए, कुछ भी कैरी करने के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ से आपको मतलब हैंड को रेस्ट करने के लिए, मतलब रखने के लिए हाथ को अच्छे से अच्छा आपको देखने मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पे स्पेक्स मतलब जो जिस हिसाब से दिए गए हैं, अगर आपका वायरलेस मोबाइल है तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देख लो ये जिसका USB टाइप सी टाइप बी ये भी है, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो इसको। बाकी यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता किसी भी गाड़ी में रेनॉल्ट के, और रेनॉल्ट के किसी भी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता ये वाला ऑप्शन जो कि सनरूफ का है, तो सनरूफ का ऑप्शन यहाँ पे किसी भी गाड़ी में नहीं देखने को मिलता है। अब रेनॉल्ट की बाकी बात करूँ तो और बाकी स्टीयरिंग में ही आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, आपको 4 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अब इसको ऑफ कर देते हैं एक बार, तो ये ऑफ कर देते हैं। इसके बाद में स्मार्ट इंटीग्रेशन, फ़ोन कॉल, नेविगेशन, यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे स्पेक्स देखने को ही मिल जाएंगे यहाँ पे ही। अब बाकी आ जाते हैं बाहर की ओर में तो और क्या स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। उसके पहले आपने मैंने आई होप कि मैंने अंदर का सारा चीज़ इससे कवर कर लिया होगा। बाकी स्पोर्ट्स नॉर्मल और यहाँ पे ही से ही आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। बाकी इसमें ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है, अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हो तो उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये चेंजेस रहता है ये वाला। और बाकी यहाँ पे से ही आप देख लो जो भी ये है उतना ज़्यादा स्पेक्स, यहाँ पे आप मोबाइल वाइल भी कैरी कर सकते हो। बाकी ये सब अंदर का था, अब अंदर बाहर की ओर नीचे आ जाते हैं। और उसके भी पहले बात कर लूँ तो ये देख लो, अब देख लो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे से भी आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप बूट स्पेस देखते हो तो यहाँ पे मतलब फ्रंट में आपको मोबाइल वोबाइल रखने के लिए, कुछ भी कैरी करने के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मतलब जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेसरीज है वो यहाँ पे आप कैरी कर सकते हो। अब आ जाते हैं रियर की ओर में, मैं तो मतलब ये जो ड्राइवर का सीट है वहाँ पे ही आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख लो वे ORVM यहाँ पे से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे चारों सीट का ही यहाँ पे से ही कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑटो में देखते हो तो यहाँ पे से ही ORVMs जो है इसका कनेक्ट हो जाता है। बाकी स्मार्ट कनेक्टिविटी साथ में आ ही जाती है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं रियर में, तो रियर में यहाँ पे से देख लेना अगर आप मतलब राइडर और फिल्म के साथ में, अगर आप फैमिली आपकी छोटी है 4 फैमिलीज में आ जाती है आप, तो ये देख लो काफ़ी अच्छा सीट देखने को मिल जाता है। अभी एक और ऑप्शनल इसमें देखने को मिल जाएगा ऑप्शन जो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अब ये देख लो मैं बैठा हूँ, अगर मैं सीट नहीं लगाया हूँ तो आगे मैं वार्निंग शो करेगा वहाँ पे लाइट, अभी जो ऑप्शन है अभी आ चुका है वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं अभी। तो ये जो सीट बेल्ट दिया गया है यहाँ से आपको ये पहनोगे तो आपको ही अच्छा रहेगा। बाकी ये देख लो यहाँ पे हेडरूम और हेडरेस्ट, यहाँ पे अगर मैं बैठा हूँ तो भी यहाँ पे देखो इतना सारा स्पेस बच चुका है हेडरूम के हिसाब से,
हेडरेस्ट की बात करूँ तो ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने मिल जाते हैं, और बाकी इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर देखी जाए तो इस प्राइस पॉइंट में इतने सारे फीचर्स तो नहीं, लेकिन यहाँ से आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। बाकी अगर रियल में आ जाता हूँ, अभी मैं तो ये देखो, मैं इसको एक बार और चार्ज भी करता हूँ, तो यहाँ पे 402 लीटर्स के टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि टैंक कैपेसिटी है। इसमें आपको बोर्ड स्पेस देखने को मिल जाता है। अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 40 लीटर्स के फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है, और बाकी जितने भी रिनॉल्ट की गाड़ियाँ आती है सभी में ही आपको पेट्रोल वेरियंट्स देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस तो यहाँ पर देखने मिल जाता है। अगर आप उनकी बात करो, स्पेस आपको लगता है कि कम है, तो आप इसको सीट को और को यहाँ से आपको उठाना है, इसको पुल करना है, और ये यहाँ पे से आपका सीट नीचे गिर जाएगा। तो बाकी ये वाला भी स्पेस आपको और भी ज़्यादा बड़ा लगेगा। तो बाकी कैसा लगा ये वाला वीडियो, कैसा लगा आपको ये स्पेक्स, आपको जरूर बताना। तो रियर में ये डिफोवर देखने को मिल जाता है। डिफोवर का काम ये होता है कि अगर आप ठंडी के सीज़न में बहुत सारे गाड़ियों में पीछे में बर्फ़ जैसा जम जाता है, या फिर आप कह लो कि उसे सीट, हम लोग में सीट बोलते हैं, या फिर धुंध बोलते हैं, धुंध पड़ जाता है, तो उसको फोग को हटाने के लिए आप चालू करते हो तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उससे ड्राइवर को पीछे देखने में थोड़ा आसानी हो जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो कैमरा देखने को मिल जाता है इसका, और ये आपको देखने को मिल जाएगा डिफोवर के साथ में ओवर व्यू। अब यहाँ पर देखने को यहाँ पर रिनॉल्ट की ब्रांडिंग के साथ में जो कर्व साथ में डिज़ाइन है, वो आपको थोड़ा सा और भी स्पोर्टिनेस और लुक्स के मामले में और भी थोड़ा स्पोर्टिनेस और प्रीमियम लुक लगता है। तो बाकी कैसा लगा आप लोग को जरूर बताना बाकी रिव्यू से। तो बाकी प्राइस से मैंने सारी चीज़ें की बात कर ली है, बाकी मिलता हूँ किसी छुट्टी में। और स्पेशल थैंक देना चाहूँगा अपने नाना वटी, जो कि अपने गुजरात की वापी में है। और भी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो बाकी मिलता हूँ किसी छुट्टी में।